हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 20 हलवा ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये 20 हलवा ऑब्जेक्टिव 20 बार से ज्यादा बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। हम हलवा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये काफी आसान है और ये सभी हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 20 के 20 प्रश्न आपको उड़ाना है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और ये 20 प्रश्न 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न यहां पे देखिए, आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ए ऑप्शन है गुटेनबर्ग, बी ऑप्शन है मार्को पोलो, सी ऑप्शन है लेनिन, डी ऑप्शन है न्यूटन। तो यहां पे आपको बताना है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था। तो इसे आप लोग उड़ा दिए होंगे, हमको पता है आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे दो नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पे आधारित नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उद्योग है जो कृषि पे आधारित नहीं है, तो इसे भी आप लोग उड़ा दीजिए। ए ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, सी ऑप्शन है चीनी उद्योग, डी ऑप्शन है जूट उद्योग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो जो सीमेंट उद्योग होता है ये कृषि पे आधारित नहीं होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है इस्लामाबाद में, बी ऑप्शन है तारापुर में, सी ऑप्शन है मुंबई में, डी ऑप्शन है संघाई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो ये तारापुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं वो काफी आसान है और ये प्लस बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और ये 2021 में भी पूछने के चांस हैं। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 1952 में, डी ऑप्शन है 1953 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, पूरे 20 के 20 प्रश्न यहाँ पे आप लोग देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे पांच नंबर प्रश्न है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है जल की अधिकता, बी ऑप्शन है वर्षा की अधिकता, सी ऑप्शन है नदियों के तल में अवसाद का जमाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, तो वर्षा की अधिकता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 6 नंबर। ये भी प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि बिहार में किसकी प्रधानता है। ए ऑप्शन है कृषि की, बी ऑप्शन है मछली पालन की, सी ऑप्शन है खनिज की, डी ऑप्शन है उद्योग की। तो इसे भी आप लोग उड़ा दीजिए कि बिहार में किसकी प्रधानता है, तो कृषि की प्रधानता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिहार के कम से कम 80% लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे सात नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राज्य लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा राज्य है जहाँ पे लौह का उत्पादन सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है कर्नाटक, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है झारखंड। तो वो कौन सा राज्य है जहाँ पे लोहे का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो कर्नाटक में होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे आठ नंबर भी बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या क्या है, तो इसे भी उड़ा दीजिए। आपको पता है ए ऑप्शन है 552, बी ऑप्शन है 544, सी ऑप्शन है 543, डी ऑप्शन है 550। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 543 है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, 543 सीटों पर वोटिंग होता है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे नौ नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक
हैं। इसमें से आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है गैरिवाल्डी, बी ऑप्शन है फान बोई चाऊ, सी ऑप्शन है हिटलर, डी ऑप्शन है मेजनी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, तो फान बोई चाऊ है। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ये वीडियो का बड़ा नहीं होगा, मात्र इसमें 20 ही प्रश्न है, तो आपको 20 में से 20 पूरा लाना है। और लास्ट में आप हमें बताइएगा कि आप 20 प्रश्न उड़ा पाए हैं कि नहीं उड़ा पाए हैं। यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे भारत एक राष्ट्र है, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक कैसा राष्ट्र है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है विकसित, बी ऑप्शन है विकासशील, सी ऑप्शन है पिछड़ा, डी ऑप्शन है अत्यंत पिछड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक राष्ट्र है तो कैसा राष्ट्र है, तो ये विकासशील राष्ट्र है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है नीला ग्रह, सी ऑप्शन है पीला ग्रह, डी ऑप्शन है लाल ग्रह। यानी बहुत ही मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। इसे आप लोग उड़ा दिए होंगे क्योंकि ये काफी ही हलवा प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने के न्यूनतम आयु कितना है। यहाँ पे अगर आपको सांसद बनना है तो आपको न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 वर्ष, डी ऑप्शन है 25 वर्ष। तो भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर। 13 नंबर भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया और ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, इसमें से आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है तुर्की को, बी ऑप्शन है इटली को, सी ऑप्शन है ब्रिटेन को, डी ऑप्शन है फ्रांस को। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि प्लास्टिक मुद्रा एक उदाहरण है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वीवीआई प्रश्न है, ये हलवा प्रश्न भी है और वीवीआई प्रश्न भी है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है चेक, बी ऑप्शन है बैंक ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है एटीएम कार्ड, डी ऑप्शन है मिश्रित मुद्रा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टिक जो मुद्रा है वो किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण देखिए ये क्या है, एटीएम कार्ड है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एटीएम का फुल फॉर्म पूछता है, ये भी काफी बार पूछा गया है कि एटीएम का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है, इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि चावल है, ए ऑप्शन है खरीफ फसल, बी ऑप्शन है रबी फसल, सी ऑप्शन है जायद फसल, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चावल जो होता है वो कैसा फसल होता है, तो जो चावल होता है वो खरीफ फसल होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और चावल कहाँ पे सबसे अधिक होता है, किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में आप हमें जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है राज्यसभा में, सी ऑप्शन है विधानसभा में, डी ऑप्शन है पंचायती राज संस्था में। तो यहां पे आपको बताना है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्थाएं में है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कितना आरक्षण दिया जाता है पंचायती राज में महिलाओं को, तो 50% दिया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे। ए ऑप्शन है 1895 में, बी ऑप्शन है 1900 में, डी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1916 में। तो यहां पे आपको बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किए थे, तो ये 1916 में किए थे, ये आपको याद रखना है, यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो 1915 में आए थे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर।
18 नंबर यहां पे प्रश्न देख लीजिए कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसमें से आपको बताना है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे हम लोग RBI कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। ये देखिए 19 नंबर प्रश्न, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है केरल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, ये आपको याद रखिएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखिए 20 नंबर प्रश्न, और ये हलवा प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 7 मार्च को, बी ऑप्शन है 8 मार्च को, सी ऑप्शन है 5 मार्च को, डी ऑप्शन है 6 मार्च को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आप यहाँ पे 20 हलवा प्रश्न देख लिए हैं, जो बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछे जाते हैं, और ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अब हमें कॉमेंट करके बता दीजिए कि आप 20 में से 20 लाए या नहीं लाए। अगर आपका 20 में से कम भी होता है तो ये आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही आसान आसान प्रश्न थे, तो आपका कम से कम यहाँ पे 20 में 20 आना चाहिए। अगर आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और यहाँ पे देखिए अगर नहीं आया है तो आप लोग थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। और यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कॉमेंट कर दीजिएगा। आप हमारे छोटे भाई हैं, जरूर कॉमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लेना है, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।